नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि इमित्रा के द्वारा जो ITR है वो किस प्रकार से फिलअप करते हैं और कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी इमित्रा को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट टू विन। यहाँ पर जो ऊपर ही ऊपर आ रही है टेक्स्ट टू विन ऑनलाइन CAITR, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ जितनी देर में रिडायरेक्ट हो रहा है उतनी देर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इमित्रा से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो अभी वर्तमान में कुछ ऑफर चल रहे हैं ITR पे, जैसे कि आप अगर 1000 ITR अभी इमित्रा के द्वारा फिलअप करते हैं तो आप यहाँ पे 350 cc बुलेट गाड़ी आपको मिलेगी। अगर 500 करते हैं तो iPhone, 200 पे स्मार्ट TV, 100 पे आपको ITR पे ये ओप्पो का। यहाँ पर जो भी ऑफर चल रहे हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप डाउनलोड गाइडलाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे नीचे आ जाना, और यहाँ पर अगर आपको जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है, देखिए हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको फिलअप करना है। पैन कार्ड नंबर उस कस्टमर का फिलअप करना है जिसके नाम से आप ITR फिलअप करें। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और फादर का नेम, जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में सेम हो, वो फिलअप करना है। इसके बाद जो फर्स्ट नेम है, जो कैंडिडेट है जिसका आप ITR फिलअप करें उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और अगर अन्य कोई दूसरा नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल ID आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपका पहले से कोई पासवर्ड या जो ITR आपने भरवा रखी है और उसका आपके पास पासवर्ड है तो आप यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर नहीं है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अब नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आपको एड्रेस पोर्टल पे आ जाना है। एड्रेस पोर्टल में आपको यहाँ पे जो आपके डिस्ट्रिक्ट या जो भी है आपका एड्रेस है उसका वहाँ का आपको पिन कोड दर्ज कर देना है, और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। यहाँ पर सेकंड लाइन में जो भी आपका जो मेन रोड या जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपकी जो बैंक डिटेल्स है जिससे आपका लेन देन या जिससे TDS कटा है, जिस बैंक के ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं, उस बैंक का आपको IFSC कोड फिलअप कर देना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, और अगर आपका यहाँ पे यह मेन अकाउंट है तो आप यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। अगर आपके अन्य कोई और अकाउंट है तो आप यहाँ पे ऐड भी और अन्य अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप केवल सिंगल बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इनकम का सोर्स है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अगर आपका जो सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पे यस कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे रहने देना है। अगर जैसे कि आप अगर ITR केवल अपनी तो ITR फिलअप करने के लिए ही ओनली जो लोन के लिए या किसी वीज़ा के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अदर इनकम जो है आपको यस पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इमित्र धारक और आप अपनी खुद की ITR फिलअप करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अगर बिजनेस इनकम करते हैं तो आपको अगर भी 1 करोड़ से ज़्यादा है या कम है तो आपको यहाँ पे लेस देन 20 लाख, मोर देन 20 लाख, अगर नहीं है 20 लाख तक तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, आपको यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आपको पता है यस तो हाँ पे क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नहीं पे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट स्टोर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो स्कैन फॉलोइंग अदर डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की PDF आप यहाँ पे
फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे जो ईयर है, किस ईयर के तहत आप ITR फिलअप करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे जो आई एक्सेप्ट है, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपये का टोकन आपके मित्रा से कट जाएगा, जिसमें से आपको 100 रुपये कमीशन का मिल जाता है। जैसे आप 400 रुपये का टोकन आप काट देते हैं तो आपको सामने यहाँ पे ऐसी रिसिप्ट आपको यहाँ पे निकल कर आती है, जिस पर आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ वो आपको यहाँ पे शो करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सबमिट हो चुका है, इसके बाद आपके पास OTP के लिए आपको ITR के लिए फ़ोन आता है। इसमें केवल इन दो नंबरों से आपको कॉल आएगा कि आपको OTP की आवश्यकता पड़ रही है, तो इन दो नंबरों को ही देखकर आपको OTP देनी है, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।